तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टॉप फिल्मी टॉक्स और मेरा नाम है आकाश। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ एक ऐसी लिस्ट जिसमें दोस्तों मैं साउथ इंडियन की ऐसी पांच जबरदस्त क्राइम, मर्डर, मिस्ट्री, ड्रामा एंड थ्रिलर पर बेस फिल्मों को रखा हूँ जो दोस्तों आपको बेहद पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इन सारी मूवीज़ की IMDb रेटिंग बताने के साथ साथ इन फिल्मों को आप लोग कहाँ देख सकते हैं, ये फिल्में एंड ये फिल्में कैसी हैं, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस कमाल की वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से दोस्तों आप लोग इस लॉकडाउन के माहौल में आप लोग घर बैठे गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है द डाइस मेकर। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने मोबाइल नंबर से इसमें साइनअप कर लीजिएगा। साइनअप करने के बाद यहाँ पर आपको होम पर एक ऑप्शन आएगा द डाइस का, यानी यहाँ पर द डाइस नाम का एक गेम शो करेगा और इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा प्ले नाउ का। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्ले नाउ पर क्लिक करके मैं दिखाता कि कैसे आपको इसमें गेम को खेलना है। तो प्ले नाउ पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टिकट का ऑप्शन आएगा, यानी टिकट में क्या होता है कि अगर आप लोग 10 रुपए का टिकट लगाकर खेलते हैं तो यहां पर आपको जीतने के बाद 20 रुपए मिलेंगे, यानी यहां पर आपको डबल अर्निंग होने वाली है। तो सिंपली यहां पर मैं 10 रुपए लगाकर इस गेम को आपको खेलकर दिखाता हूं। तो यहां पर मैं प्ले पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहां पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर एक यूजर्स को यह खोजेगा कि आपके साथ खेलने के लिए कोई यूजर्स खोजेगा। तो अरशद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहां पर द वर्ल्ड मोबाइल स्टार्ट विद द लेटर, यानी मोबाइल किस लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहां पर मैं एम पे क्लिक कर देता हूं, आप भी यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। और एम पे क्लिक करने के बाद यहां पर राइट आंसर हो चुका है और राइट आंसर होने के बाद हमारा योर टर्न आ गया। तो यहां पर देखते हैं हमारा कितना यहां पर आता है। तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पर आ चुका है 6 और उनका देखते हैं अरशद का कितना आता है। जिसका दोस्तों ज्यादा आएगा वही जीतेगा। तो यहां पर देख सकते हैं उनका आया है 2। तो यहां पर मैं जीत चुका हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं यू वॉन, यानी यहां पर मैं 20 रुपये जीत चुका हूं इस एप्लीकेशन से। तो यहां पर आपको वैलेट में आना है, वैलेट में आने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है 58 रुपये। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने कमाए हुए पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम विड्रॉ, यानी आप लोग कम से कम 1 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहां पर मैं अपना पेटीएम नंबर सिंपली डाल देता हूं। आप भी अपना पेटीएम नंबर यहां पर डाल दीजिएगा और यहां पर अमाउंट पूछेगा, तो यहां पर मैं अमाउंट में डाल देता हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको 0% चार्ज पर यहां पर आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहां पर ट्रांसफर पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर हमारा ट्रांसफर हो चुका है हमारे पेटीएम अकाउंट में। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं कि हमारा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरे पास हो चुके हैं 90 रुपये, यानी यहां पर मेरे को 58 रुपये मिल चुके हैं। तो इसी प्रकार यहां पर आप लोग पैसे कमा सकते हैं, वो भी 100% रियल तरीके से। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस कमाल की वीडियो को और ज्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में जिस मूवी को नंबर 5 पे रखा है उस फिल्म का नाम है शैतान। दोस्तों ये मूवी 2016 की रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर पर बेस मूवी थी। और दोस्तों इस मूवी का हिंदी नाम सेम है। अभी बात करते हैं इस फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे अरुण थाती नैयर, इसके साथ विजय एंथोनी, इनके साथ आप सभी को सिद्धार्थ शंकर जी इस मूवी के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म की जो स्टोरी होती है वो एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो दोस्तों माइंडली रूप से डिस्टर्ब होता है। और दोस्तों माइंडली रूप से डिस्टर्ब होने के कारण इसके दिमाग से एक ऐसी आवाज आती है जो उसे खुद को मारने के लिए कहती है। अब वो व्यक्ति क्यों डिस्टर्ब होता है, आखिर उसके साथ क्या घटना घटी होती है, इस चीज के बारे में इस फिल्म को देखने के बाद ही आप सभी को पता चलेगा। दोस्तों ये फिल्म गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी मूवी की लिंक देता रहता हूं, तो वहां से जाकर के आप लोग इस फिल्म को भी हिंदी डब भाषा के साथ देख सकते हैं। नंबर 4th, तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में जिस मूवी को नंबर 4th पे रखा है उस फिल्म का नाम है दिया। दोस्तों ये मूवी 2018 की रिलीज हुई एक तमिल और तेलुगू दोनों लैंग्वेज की रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री क्राइम पर बेस मूवी थी। और दोस्तों इस फिल्म का हिंदी नाम सेम था। अभी बात करते हैं इस फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे साईं पल्लवी, इनके साथ आपको बिनोरिका अरोरा एंड इनके साथ आप सभी को नागा सोरेया जी इस मूवी के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे।
करेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी जो स्टोरी है वो हॉरर पर बेस है। और दोस्तों इस फिल्म में होता क्या है कि एक गर्भवती महिला होती है जिसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जाता है। अब दोस्तों जो अजन्मा बच्चे की आत्मा होती है वो उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी माँ को गर्भपात करने के लिए मजबूर किए थे। और दोस्तों इसमें जो अजन्मे बच्चे की आत्मा होती है उसे एक साइको की तरह दिखाया गया है, जो आपको बेहद पसंद भी आएगा। दोस्तों ये फिल्म एक ऑनऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फिल्म को देख लीजिए, नहीं तो ये फिल्म कभी भी रिमूव हो सकती है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग इस फिल्म को अभी वॉच कर सकते हैं। नंबर थर्ड, तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में जिस मूवी को नंबर थर्ड पर रखा है उस फिल्म का नाम है मलंग। दोस्तों ये मूवी इसी साल 2020 की रिलीज हुई एक बॉलीवुड की जबरदस्त एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर पर बेस मूवी थी। दोस्तों वैसे तो ये फिल्म बॉलीवुड की है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताऊं एंड आपको कहूं कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म गजब की ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को मैंने खुद देखा और आपको इसलिए बता रहा हूं, तो इस फिल्म को आप लोग एक बार जरूर देखें। दोस्तों इस फिल्म के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे आदित्य राय कपूर एंड दिशा पटानी, इनके साथ आप सभी को अनिल कपूर के अलावा एन अदर कास्ट मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आपको अंत तक उलझा कर रखेगी। शुरू में आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन दोस्तों क्लाइमेक्स आने के बाद सब कुछ इतना सस्पेंस की तरह हो जाएगा जो आपको पूरी तरह से उलझा करके रख देगा। दोस्तों वैसे तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन कॉपीराइटेड होने के कारण ये फिल्म कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके इस फिल्म को भी आप लोग जल्दी से जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए। नंबर टू, तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में जिस मूवी को नंबर टू पर रखा है उस फिल्म का नाम है डंडू पाल्या 3। दोस्तों ये मूवी 2018 की रिलीज हुई एक कन्नड़ लैंग्वेज की काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन क्राइम ड्रामा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर पर बेस मूवी थी। और दोस्तों इस फिल्म को आप लोग एक तरह से सीरीज फिल्म भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी पर अभी तक लगभग 4 पार्ट बन चुके हैं और जिस पार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरा पार्ट है। दोस्तों इस फिल्म का हिंदी नाम रखा गया था बेखौफ अपराधी। बात करें इस फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे संजना गलरानी, इनके साथ आप सभी को पूजा गांधी एंड मकरकंद देश पांडे जी, आप सभी को इस मूवी के स्टारकास्ट में आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसे हत्यारों के ऊपर लिखी गई है जो दोस्तों मर्डर्स करने के दौरान कुछ ऐसे रहस्य को छोड़ जाते हैं जिसे देखकर आपका रूह कांप उठेगा। दोस्तों ये फिल्म B4U मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के आप लोग इस फिल्म को हिंदी डब भाषा के साथ देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हमारी इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैंने इस लिस्ट में जिस मूवी को नंबर 1 पर रखा है उस फिल्म का नाम है प्राणा। दोस्तों ये फिल्म 2018 की रिलीज हुई एक मलयालम लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा हॉरर थ्रिलर पर बेस मूवी थी। दोस्तों इस फिल्म को आप लोग एक तरह से मल्टीपल थ्रिलर फिल्म भी कह सकते हैं एंड दोस्तों इस फिल्म का हिंदी नाम सेम था। बात करें इस फिल्म के स्टारकास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के स्टारकास्ट में आप सभी को नजर आएंगे दुलकुए सलमान एंड नित्या मेनन एंड नानी जैसे सुपरस्टार कलाकार इस मूवी के लीड कास्ट में आप सभी को नजर आएंगे। तो इस फिल्म की जो स्टोरी होती है वो एक ऐसे बुक के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें कुछ ऐसे रहस्यों को लिखा रहता है जो इस आधुनिक दुनिया से सबसे अलग होता है। वैसे तो दोस्तों ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप सभी के पास OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन है तो इस फिल्म को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और जैसे इस फिल्म का लिंक अवेलेबल होता है यानी ये फिल्म जैसे यूट्यूब पर अवेलेबल होती है उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको सबसे तेज और सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक इस फिल्म का आने का आप लोग वेट कीजिए। तो यहां पर दोस्तों ये रही साउथ इंडियन की कुछ ऐसी 5 जबरदस्त अनरेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों उन लोगों के साथ आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो साउथ की होती हैं या फिर साउथ की फिल्में जो लोग पसंद करते हैं देखना, उन्हीं लोगों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसे ही साउथ फिल्मों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो यहां पर दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।